भाइयों और बहनों, आपके सामने आ रहे हैं झनकार ऑर्केस्ट्रा के फनकार फनी खान। फनी खान, आखिरकार वो फिल्म पर्दे पर आ ही गई जिसका मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, और इसलिए मैंने इस फिल्म को पहले दिन पहला शो देखना तय किया। एक ज़माना था जब मैं ऐश्वर्य राय का सबसे बड़ा फ़ैन हुआ करता था। जब क्यों हो गया ना के दौरान ऐश और विवेक ओबराय इंदौर आए थे, तब टिकट या पास ना होने के बावजूद मैंने ऐश्वर्या को देखने की जिद पकड़ ली थी। चोरी छिपे दीवारों और बिल्डिंगों की कून फान कर पुलिस वालों को चकमा देकर हमने वो प्रोग्राम अटेंड किया। वो अच्छे दिन थे। हालांकि अब मैं सबसे बड़ा ना होकर बहुत बड़ा फ़ैन रह गया हूँ, ये तो नेचुरल है। फिर भी मुझे ऐश आज भी पसंद आती है। उसको एक रिबन काटने के 30 लाख रुपए मिलते हैं। जहाँ तक राजकुमार राव की बात है, उसे जब मैंने LSD लव सेक्स और धोखा में देखा था, तो उसकी एक्टिंग देखकर मैंने एक नई जिद पकड़ ली थी कि इस एक्टर को लेकर एक फिल्म जरूर डायरेक्ट करूंगा। वो वाली जिद पूरी नहीं हुई। ये दुनिया उतनी भी आसान नहीं मेरे भाई की जितनी लगती है। वो निदा फाजली की गजल है ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये आर्ट बर्थडे आपका? ये आर्ट नहीं है, ये इंफिनिटी मॉल। खुद को मिटा दिया। बंद करो म्यूजिक। और फिर अनिल कपूर मेरे लिए ठीक ठाक एक्टर रहा है। मुझे तो अभिषेक के काटे हुए उसके झकास वाले सीन ज्यादा पसंद आते हैं। मांगता हूँ तेरी पसंद को, मस्का मस्का, एकदम झकास, एकदम झकास, एकदम झकास। क्यों है ना झकास। बहरहाल जहां तक इस फिल्म के बारे में मेरे नजरिए की बात है, तो वो मायने नहीं रखता। पहले मैं बड़े बड़े फिल्म रिव्यूज लिखता था, फिल्म के हर एंगल, हर एस्पेक्ट, एक्टिंग, म्यूजिक, डायरेक्शन, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा पर बात करता है। लेकिन अब वो दौर गुजर गया। अब मैं तकनीकी नहीं होना चाहता, टेक्निकल नहीं होना चाहता। अब तो बस मैं फिल्म देखते हुए बहना चाहता हूँ, पोएटिक होना चाहता हूँ। मैं कल्पनाओं में गोते लगाना चाहता हूँ, जीवन का गीत गुनगुनाना चाहता हूँ। फिल्म एक ख्वाब है, अगर आपको ख्वाब देखना पसंद है तो खो जाइए इस नींद के आगोश में। अलविदा। जी का कोई एवरग्रीन गाना गाना बेटा, तेरे पर एकदम फिट होना। उनके गाने 100 साल पुराने हैं। कि मेरे को तो बहुत पसंद है। क्योंकि आप भी 100 साल पुराने हो। इतना अच्छा गाती है, एक हिट एल्बम बना रहा हूँ उसके लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम बेकार के सपनों में ना अपनी नींदें बेकार करना छोड़ दो। इस ड्रेस की क्या जरूरत है तुझे? है इस ड्रेस की भी, और ऐसे पापा की जो मुझे पैसे देने में ना कंजूसी ना करे। कैसे बनेगी लता की एल्बम? किडनी भेजोगे? यस, बेबी का नया गाना लॉन्च हो रहा है। जवां है मोहब्बत समझ लो इशारा। उसको एक रिबन काटने के 30 लाख रुपए मिलते हैं। जवां है मोहब्बत समझ लो। मेरी मदद करनी होगी, दिमाग खराब होगा आपका, क्या कर लो आप ये? जी नमस्ते, बिग फैन। ये जो हमने किडनैपिंग की है, तो इसके पैसे किससे मांगने हैं? कितने पैसे? आपको जो भी ठीक ठाक लगे। तो किडनैपर है या खुली? चंदा मांग रहा है? ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये आर्ट बर्थडे आपका? ये आर्ट नहीं है, ये इन्फिनिटी मॉल। खुद को मिटा दिया। बंद करो म्यूजिक। माँ बाप ने नाम लड़ता रख दिया तो जबरदस्ती गाना गाओगी?
पगलाई पगलाई दुनिया ये लो मैं मोटी साई मैं भी पापा की तरह किसी गले की फन्ने कान बन के रहे जो है छुपा देख बेटा सपनों के साथ दो ही बातें होती हैं या तो पूरे होते हैं टूट जाते हैं तुझे कोई रोक नहीं सकता दिल से कहा लेकिन तेरे को लता मंगेशकर स्वरूप बनाऊंगा मेरी लता